जैसे एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी होती है, वैसे उस वक्त सांसद जी ने कहा था ये कांग्रेस प्रेरित आंदोलन है और यह आंदोलन की कलई और परत अब धीरे धीरे खुलने लगी और खुलने इस तरह लगी है कि कुछ आंदोलन के बुआ, उस आंदोलन के जनक लोग जो बैठे थे उनकी मनसा उजागर होने लगी है कि वो आंदोलन किस लिए किया जा रहा था, कि उनके खिलाफ उत्पीड़न हुआ था, कि उनका कोई राजनैतिक उद्देश्य था, उनको कोई पद हासिल करने का उद्देश्य था, उनका मकसद आज उजागर हो गया है। और आपका ये गौरवशाली नेता आज फिर पाक साहब समाज की निगाह में वैसे ही तब भी था, आज भी है, ऐसे कल ही रहेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ आज मित्रों। और जो लोग हम पे की उठाने का काम करते थे, आज वही कह रहे हैं कि नहीं, सत्य था इसके पीछे, मंशा थी। आज वो टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस के दरवाजे दरवाजे पर भटक रहे हैं। हमारे कुछ नुकसान हुए लेकिन आज आपके बीच ही आए हैं। जिनका बेटा सांसद हो गया हो, जिनका बेटा विधायक हो गया है, उनको सोच लेना चाहिए, चलो अब आराम करें, जीवन का सब कुछ हासिल हो गया, सारा मुकाम हासिल हो गया, अब हमें क्या चाहिए। लेकिन नहीं, आज वो इस जिले के नौजवानों के भविष्य को सुधारने के लिए, आपको आगे प्रेरित करने के लिए आपके बीच आए हैं और निरंतर राजनीति में न रहने के बाद भी एक तरीके से वो सक्रिय है समाज सेवा के लिए। और ये भी एक सेवा है आपका, आपको शिक्षित करना, आपको प्रेरित करना, वे सामाजिक सेवा का कार्य वो निरंतर कर रहे हैं। एक पल वो तब से बैठे नहीं है जब से बेटा करण भूषण टिकट पाकर के एमपी हुआ। इतना सक्रिय ये करण के चुनाव में नहीं रहे, अगर इतना सक्रिय करण के चुनाव में रहे होते तो करण के मार्जिन 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख होती, मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ मित्रों। लेकिन आज कम से निरंतर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।